हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलोपनर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिट किंगडम के जो न्यू रूल आया है प्लान ए एंड प्लान बी के बारे में, जो कि 5% एंड 10%, जो कि कल ही नया रूल लॉन्च किया गया है, यानी आप बोलिए निकाला गया है बिट किंगडम के थ्रू, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आती हो तो ये मैं लिंक वीडियो के नीचे दूंगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आकर कैसे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, स्काइप पे, यूट्यूब पे, या फिर यहाँ पर अपना नेम, ईमेल और मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो इसे मैं अभी कर रहा हूँ बंद। ये है मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप आकर मुझे मीट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर भी आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो सीधा आते हैं पॉइंट पे, जो कि है 5% एंड 10% प्लान ए एंड प्लान बी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं बिटकिंगडम के अपने जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, प्रॉपरली तो मेरे पास अभी ओरस वॉलेट में 8.4 ओरस बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि ये रूल मैंने पहले पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जो कि 5% का प्लान था पर मंथ मिलने वाला। ठीक है, तो अभी ये तीन नए रूल आए हैं बिटकिंगडम के थ्रू, तो मैं तीन रूलों को आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, बाकी एक स्नैपशॉट है मेरे पास, वो भी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं नो मोर रैंकिंग्स। रैंकिंग्स का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, करंट रैंक सिटीजन रैंक है मेरा। ठीक है, मैं K30 रैंक हो गया था, अभी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मेरा K30 रैंक था। तो यहाँ पे अब इन्होंने रैंकिंग्स जो है सभी की रिमूव कर दी है, चाहे वो K50 हो, चाहे K100 हो, कोई भी हो, उनकी रैंकिंग्स रिमूव कर दी गई है। ठीक है, तो क्या रूल रखा गया आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया, एज यू माइट हैव नोटिस्ड ऑल ऑफ योर रैंकिंग्स हैव बीन स्ट्रिप डाउन टू सिटीजन। ठीक है, तो सारे के सारे लोग सिटीजन की रैंक पे आ गए हुए हैं अभी। तो बोल रहे हैं 2400 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं इस वजह से। ठीक है, तो अभी ये न्यू इन्होंने बोला है, इन द बिट किंगडम अ न्यू पॉलिसी फॉर रैंकिंग एंड पेयरिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि आपको पता है कि रैंक जो, जैसे कि ये सिटीजन रैंक है, ठीक है, तो इसके ऊपर का रैंक तभी मिलता था जब आपकी पेयरिंग मैच होती थी, तब आपको K30, K50, K100 रैंक मिलते थे। ठीक है, तो अभी भी बिटकिंगडम ने ये बोला है कि एक्टिव पीएच अगर आपके 300 होंगे ओरस, ठीक है, 300 ओरस का आपका पीएच लगा होगा अगर, तो आपको लिखा है एंटाइटल्स यू टू पेयरिंग 3/3 रैंकिंग मीन्स 3% पेयरिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो 3% की पेयरिंग बोनस आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, इस पे अगर आपका पीएच 300 ऑरस लगा होगा, मींस अगर आपका हो, आपका खुद का अपने अकाउंट में लगा हो, जैसे मेरे अकाउंट में अगर मैंने प्रोवाइडर पे 300 का ऑरस लगाया हुआ है पीएच, तो मेरे को 3% का पेयरिंग बोनस मिलेगा। अगर आपके डाउनलाइंस का कलेक्ट करके सबका, ठीक है, जैसे आपके पास सपोज करते हैं कि 5 डाउनलाइंस हैं, ठीक है, तो 5 डाउनलाइंस और आपका मिला के 300 ऑरस बनता है, तो आपको 3% पेयरिंग बोनस एट द एंड ऑफ मंथ मिलेगा। इसी तरीके से 500 ओरएस पीएच होगा तो 5%, 700 ओरएस पीएच होगा तो 7%, 1000 होगा तो 10%, 2000 होगा तो 12%, 5000 ओरएस होगा तो 15% पेयरिंग बोनस मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो है एक्टिव पीएच आप 5000 ओरएस तक ही कर सकते हैं, इसके ऊपर का नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे लिखा है योर एक्टिव पीएच डिटरमाइंस योर रैंकिंग एंड पेयरिंग बोनस रिसीव्ड दैट मंथ। इफ यू डोंट मेंटेन एंड एक्टिव पीएच ऑफ दोज लेवल योर रैंक विल बी डाउन इमीडिएटली। बोल रहे हैं कि तो जैसे मेरा यहाँ पे पीएच है 300 ओरस का, ठीक है, तो ये अगर इससे नीचे होगा, ठीक है, तो मेरे को पहली बात तो पेयरिंग बोनस तो मिलेगा नहीं, दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने जो पेयरिंग बोनस अचीव किया होगा, रैंक अचीव किया होगा एक तरह का, ठीक है, वो भी डाउनग्रेड हो जाएगा अगर आप हम उसको मेंटेन नहीं रखते। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट मेंटेन एंड एक्टिव पीएच ऑफ दोज लेवल यू विल बी रैंक डाउन इमीडिएटली। ओके, मतलब कहने का ये बात है कि अगर आप अपने पीएच लेवल को मेंटेन नहीं रखते हैं, ठीक है, और अपने डाउनलाइंस का, जैसे आपका पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, तो आपका रैंक गिर भी सकता है, और इसको मेंटेन रखिए तभी आप अपर लेवल पे रैंकिंग्स जो हैं जंप कर पाएंगे, या आप बोल सकते हैं पेयरिंग बोनस ले पाएंगे। ओके, तो चलिए ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आते हैं अभी। दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू पीएच प्लान इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपने अकाउंट में लॉगिन करके। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में सारा डिस्क्राइब करूँगा मैं एकदम शॉर्टकट में। अब देखिए न्यू पीएच प्लान्स आए हैं, द न्यू रेजिम हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ मोर स्टेबल प्लान दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड कैलकुलेटेड बाय द एक्सपर्ट्स। एक तरह का इन्होंने बोला कि एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, प्लान ए आया है 5% का, प्लान बी आया है 10% का, राइट। तो प्लान ए में बोल रहे हैं अ मंथ न्यू ओरस इशुएंस टू यू, कैपिटल लॉक हो जाएगा आपका 30 डेज के लिए। ओके, प्लान ए में, ठीक है, जैसे कि अगर आपका अभी पीएच लगा हुआ है 5% का, ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है वो 30 डेज के लिए लॉक है, राइट।
एंड प्लान बी में आपको मिलेगा 10%। और लिखा है अ मंथ न्यू ओरएस इश्यूएंस टू यू कैपिटल लॉक एट 90 डेज। ओके एंड आगे चलते हैं, मैक्सिमम पीएच इज 5000 ओरएस, ठीक है, मैक्सिमम रेफरल 500 ओरएस पर यूजर, मैक्सिमम पेयरिंग बोनस 5000 ओरएस पर यूजर। ये तो मैंने आपको पिछली अभी पोस्ट में बताया, ठीक है, कि 5000 मैक्सिमम कर सकते हैं आप ओरएस, और उसमें आपको पेयरिंग बोनस वगैरह ये सब मिलेगा, ठीक है। अब लिखा है प्लीज चूज एंड प्लान योर प्लेज वाइजली एज यू ऑलरेडी नो ओरएस इन द पब्लिक मार्केट विल हैव डिविडेंड्स पेड। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, अपने प्लान को बोल रहे हैं ढंग से चूज कीजिएगा जो भी आपने करना होगा, राइट। इसको मैं सारा आपको अभी शॉर्टकट में बताता हूँ क्या क्या चीज़ बताइए, और इस पे इसके लिए कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा ट्रस्टी साइनिंग एग्रीमेंट अपडेट, कि ट्रस्टी का जो एग्रीमेंट कर रहे थे ये एग्रीमेंट अब पूरा हो चुका है, मतलब पेपर वर्क बोल लीजिए आप या जैसे भी बोल लीजिए, ठीक है, वो अभी पूरा हो चुका है। तो अभी शॉर्टकट में मैं आपको ये तीनों रूल का एक कंपाइलेशन करके बताता हूँ कि क्या बेसिकली बात बोली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, ऑल मेंबर्स हु ऑप्टेड प्लान ए, जिन्होंने प्लान ए पे अपना अभी चूज़ किया हुआ है, ठीक है, दैट कैन बी अपग्रेडेड टू प्लान बी फॉर 10%, दिस इज़ अ स्मॉल ट्रांजिशन इफेक्टिवली, ठीक है। तो बोल रहे हैं प्लान ए जो भी लोगों ने, जैसे अभी बिटकॉइन में लेके चलता हूँ मैं अकाउंट पे, प्रोवाइड हेल्प पे लेके चला हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोवाइड हेल्प पे आप देख रहे होंगे अभी आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ये हमारे पास नहीं था, प्लान ए एंड प्लान बी नहीं था, अभी कल परसों की बात है, ठीक है, 2-3 दिन पहले की। तो अभी इन्होंने प्लान ए भी ए पे दे दिया है 5%, प्लान बी पे दे दिया है 10%, ठीक है। प्लान ए पे आपका 30 डेज के बाद मेच्योरिटी होगी, मतलब 30 डेज के तक आपका कैपिटल जो लगाया है वो लॉक है, ठीक है, प्लान बी में 90 डेज के बाद। तो प्लान ए में जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 53 और इसका पीएच मैंने आपको करके दिखाया था पिछली वीडियो में प्लान ए में, तो ये मेरे को अभी 11 डेज हुए हैं, ठीक है। तो 30 डेज जब तक नहीं हो जाते तो तब तक मैं इसको एंड नहीं कर सकता, या फिर आप बोलिए इसको मैं अपग्रेड नहीं कर सकता प्लान बी में जो कि है 10% वाला, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ आपको। और ये देखिए नीचे क्या लिखा है, प्लान ए स्टेक फॉर 5%, शॉर्ट टर्म स्टेक होल्डर विल चूज प्लान ए विच कैरीज 5% डिविडेंड। वही बात है, कांट एंड बिफोर 30 डेज, स्टेक और एस लॉकिंग टाइम 30 डेज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आफ्टर 31 डेज बोल रहे हैं यू कैन एंड पीएच, आप अपना पीएच एंड कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 31 डेज जब आपके 31 डे होगा, आई थिंक यहाँ पे आपका एंड पीएच का बटन आ जाएगा या फिर अपग्रेड का बटन कुछ ऐसे करके आ जाएगा, ताकि आप प्लान ए से प्लान बी में अपग्रेड कर सके, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, एंड आफ्टर 31 डेज यू कैन एंड योर पीएच स्टेक, ठीक है, एंड गेट्स 100% प्लस 5% डिविडेंड, ठीक है। तो मतलब कहने का कि जैसे मैंने ये 53 और एस का पीएच लगाया हुआ है, ठीक है, तो 31 डेज जैसे ही होते हैं मैं इसको अगर अपग्रेड करता हूँ तो मेरे को 53 और एस तो मिलेगा, बट उसके साथ ये जो प्रॉफिट यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट भी और ये भी, दोनों सीड एंड प्रॉफिट दोनों मिलेंगे, और दोनों के साथ आप प्लान बी में जंप कर सकते हैं, मतलब अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, लिखा है एंड गेट्स 100% प्लस 5% डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ट्रस्टी, प्रोमो टाइम फॉर टोकन फ्री, जीएच एंड पीएच ऑल वर टोकन फ्री। तो ये जो प्रोमो टाइम था ये आप बोलिए अब एक तरह का खत्म हो चुका है, ठीक है, ये टोकन फ्री जो टाइम था वो बोल रहे हैं खत्म हो चुका है, ठीक है, जो 5% पे एक तरह का प्रोमो टाइम लगा हुआ था, आपको मैंने करके दिखाया पिछली वीडियो में कि ये जब मैंने पीएच लगाया था तो मैंने बिना टोकन के पीएच लगाया था, ठीक है, तो ये प्रोमो टाइम है, ये भी खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लान बी के लिए बोला है स्टेक फॉर 10%, लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स विल कीप डाइवर्सिफाई देयर ओन डिविडेंड्स कैपेसिटी इफ दे विल चूज प्लान बी विच कैरीज 10% डिविडेंड, कांट एंड बिफोर 90 to 100 डेज, स्टेक और एस लॉकिंग टाइम 90 डेज, आफ्टर 91 डेज यू कैन एंड योर पी एच एंड गेट्स 100% प्लस 30% डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ट्रस्टी। ओके, तो लिखा है नो प्रोमो एज ऑफ नाउ, टोकन विल बी चार्ज फॉर पी एच एंड जी एच। तो अब पी एच करिए चाहे जी एच करिए, टोकन लगना शुरू हो गया, ठीक है, और ये जो प्लान बी है ये 90 डेज के लिए, जैसे सिंपली यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेप्स में बताया गया कि 90 डेज के लिए लॉक होगा और 91 डेज के बाद आप उसको प्रॉफिट एंड सीन मनी उसका लेके निकल सकते हैं, ठीक है, और टोकन नहीं है अब। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो स्नैपशॉट है उस पर लिखा है टोकन विल बी चार्ज फॉर पीएच एंड जीएच सो अपग्रेड विल इफेक्ट टू दिस ट्रांजिशन, ठीक है। अब लिखा है इफ एनीवन वांट्स टू अपग्रेड फ्रॉम देयर ओल्ड पीएच टू न्यू पीएच ट्रांजिशन फॉर 10% दे हैव टू वेट फॉर 30 डेज, देन आफ्टर their ph will show an upgrade option to upgrade it with the same old ph or s। तो बोल रहे हैं कि
ये जो पुराना पीएच है वही बात है कि अगर अपने अपग्रेड करना है प्लान ए को प्लान बी में लेके जाना है 10% वाले में, अभी तो देखिए प्लान ए में हमें 5% मिल रहा है, प्लान बी में हमें 10% मिलेगा, तो ऑब्वियसली 10% पे ही लगाना चाहेंगे। बट ये आप पे डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लान ए में रहना है कि प्लान बी में, ठीक है। अगर आपको 5% एग्री है आप करते हो इससे, तो आप प्लान ए में लगा कर अपना ऑरेस्ट जैसे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। मैं तो इसको अपग्रेड करूंगा, बट मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप 31 डेज को होने पर अपना सीड एंड प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। वो आप देखिए आपने कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपग्रेड का बटन आ जाएगा, यहाँ एंड पीएच के जैसे भी होगा, 31 30 डेज जैसे यहाँ पे होंगे, तो उसके बाद आप प्लान बी में अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। आगे लिखा है देर इज नो नीड टू री पीएच, विच मीन्स यू कैन अपग्रेड ओल्ड पीएच 5% इनटू प्लान बी फॉर 10% ईजिली, ओके। ये मैंने आपको बता दिया। आगे लिखा है फर्दर हेल्प नोट, बाय टोकन बाय पेइंग ओरेस, फॉर परचेजिंग टोकन वी नीड टू आस्क एजेंट टू एक्सेप्ट ओरेस एंड गिव अस टोकन फ्रॉम वियतनाम टीम, आई विल मैनेज इट फॉर ऑल, द परचेज टोकन बाय ओरेस विल बी लो कॉस्ट एज आई कैन हेल्प यू ऑल, ओके। पे 1 ओरेस इक्वल टू 20 टोकन। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 1 ओरेस से अगर आप पे करते हो तो आपको 20 टोकन्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसकी फर्दर कोई अपडेट आएगी तो मैं उसके उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं इफ़ एनी वन नीड क्लैरिफाई ऑन हाउ टू गेट ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान ए टू प्लान बी, प्लीज़ इनबॉक्स मी और इनबॉक्स योर स्पॉन्सर, थैंक्स। तो अपने स्पॉन्सर को आप अभी पूछ सकते हैं कि आपको कैसे अपग्रेड करना है प्लान ए एंड प्लान बी में। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पे 30 डेज होंगे तभी आपको यहाँ पे बटन आएगा एंड पीएच का, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके पहले आप ट्राई मत करिए इसको अपग्रेड करने का, ठीक है। फालतू में आपका अकाउंट कहीं बैन वगैरह ना हो जाए, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक अपना पीएच नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, अभी अभी आपका जैसे प्लान बी में मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे ओरेस है, मैंने आपको दिखाया मेरे ओरेस वॉलेट में ओरेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लान बी में सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है 8.4 ओरेस, तो ओरेस वॉलेट आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं जैसे 5 ओरेस का पीएच लगा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने देखते हैं। सेंड पीएच करके तो आपने देखा समथिंग अकर्ड इन सफिशियंट टोकन, तो मेरे पास टोकन नहीं है ये बोल रहा है, ठीक है। तो टोकन लेके आप यहाँ पे पीएच अपना एक्टिवेट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका अभी पीएच एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपके पास टोकन नहीं होगा, ठीक है। वो टोकन आपको पता है कि 1 वर्ष देके 20 टोकन आपको मिलेंगे, राइट। बट अभी के लिए यही अपडेट थी मेरे पास, ठीक है। और जैसे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके ओरेस वॉलेट में अभी फंड पड़ा हुआ है तो आप उसको रेडी रखिए पीएच करने के लिए 10% प्लान बी में, ठीक है। बाकी आप प्लान ए में करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं प्लान बी में सजेस्ट कर रहा हूँ सभी को, तो प्लान बी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए मैं आपके पास और अपडेट्स लेके आ जाऊँगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।